है कहाँ मर गई ये कमबख्त। जीरा आ रही हूँ जी, आ रही हूँ, आ रही जी। बाजी, अरे तूने उसको इकराम को कहा है कि फोन करे डॉक्टर को? हाँ जी, कब का कह दिया हुआ है। तो ये भी एक सुस्त कछुआ जैसा बैठा होगा अफजल साहब के ड्राइवर के पास। तू जा उसको कह दोबारा फोन करे, आके लड़की को देखे। अच्छा जी, मैं कहती हाँ। इधर हाँ जी, वो जो तेरी बाजी है ना जो दम दरूद करती है। हाँ जी, तेरा बाजी। हाँ, बड़ा दम है जी इसके दम में। उसे क्या एक नजर का तावीज बनाए, लड़की को नजर हुई है। तावीज तो मैं ले आऊंगी जी, पर वो तो चंगी पली। बकवास ना कर, चंगी पली है, रंग देखा है उसका, और जो वो बातें करती फिरती। रंग तो माशाल्लाह लाल सुरख है उनका, और बातें वो तो जी शुरू से ऐसी करती। मेरी बात ना काटा कर। अच्छा जी, चह चह करती रहती है। चल जा, उसे कह फोन करे। अच्छा जी। वाह, सुभान अल्लाह। काजी साहब, क्या बात है, आज आप किन सोचों में गुम है? मुझे तो आज बेटी ने एक सवाल किया है तो उस लड़कियों को सवाल करने की आदत नहीं डालनी चाहिए। जी, यही कहा मैंने उससे, लेकिन सवाल बार बार दिमाग में आ रहा है तो। अच्छा, तो जरा हमें भी बताइए कि आपकी लड़की ने आपसे क्या पूछ लिया। जी, वो स्कूल के बाहर खेल रही थी, वो कुर्सी के टूटे हुए बाजू से, तो ग्राउंड नहीं है ना उस स्कूल में, तो कहने लगी कि अबू क्या आपको मेरा खेलना बुरा लगता है? तो काजी साहब, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है, तो बच्चे तो खेलते ही है ना, अगर स्कूल में ग्राउंड होता तो वो ये घर में और गली में तो ना खेलते हैं। माफ कीजिएगा काजी साहब, बच्चे खेलते हैं, लड़कियां नहीं खेलती। भाई लड़कियां तो गुड़ियों से खेलती हैं, और गुड़ियों से खेलने के लिए घर काफी होते हैं। फिर लड़कियों का इस मनुष केन बल्ले के साथ क्या काम? जी जी, मजाक फरमा रहे हैं आप, लड़कियों का क्या काम इस मनहूस गेंद बल्ले से? ठीक, और काजी साहब जरा हमें ये तो बताइए ये कौन सा स्कूल है जो लड़कियों को गेंद बल्ला खिला रहा है? ये करीबी है जी स्कूल, वो लिटिल फ्लावर स्कूल है, वो उस्तानी मिशन स्कूल से ही पढ़ा उसने, तो उसने अब अपना स्कूल खोल लिया है। अच्छा, और आपने बिना सोचे समझे, बिना कोई तहकीक किए अपनी लड़कियों को उस उस्तानी के हवाले कर दिया? तो और पास कोई स्कूल नहीं है, तो अच्छा पढ़ाती है, कोई ट्यूशन वगैरह का सिलसिला भी नहीं है, और पैदल आ जा जाती है, तो फिर इसलिए। काजी साहब जरा पता तो कीजिए, क्या कर रही है, क्या तरबियत कर रही है, और ये गेंद बल्ले खिलाने वालियां, ये सवाल करने वालियां, कि हमारी आइंदा आने वाली नस्लों की क्या तरबियत करेगी? काजी साहब जरा बताइए, जरा हमारी बात पर ध्यान कीजिए काजी साहब। इस तरह की उस्तानियां जो है ना, हमारी कौम के मुस्तकबिल से खेल रही हैं, बर्बाद कर रही हैं हमारी कौम के मुस्तकबिल को, और हम सबको होश के नाखून लेने चाहिए। काजी साहब, ये मामला इतना सादा नहीं है जितना हम सब ने समझ रखा है। हजरत, आपने दुरुस्त निशानदेही की, मैं आज ही पता करता हूँ कि ये स्कूल में किस किस्म की तरबियत हो रही है। मैं करता हूँ। अरे आप शायद तो हम ये वक्त देखने को मिलेगा हमें कि हमारी लड़कियां गेंद बल्ला खेलें। नहीं, मैं आज आप अरे रहने दीजिए काजी साहब, हमारा तो खून खोल रहा है, गेंद बल्ला और लड़कियां, पता नहीं आजकल के माँ बाप को क्या हो गया है।
ऐसा क्या कह दिया था तूने आंटी को? बाहर निकली तो लग रहा था कुछ जिन देख लिए। सोच रही होगी मेरा कोई इलाज, पर मेरा तो कोई इलाज ही नहीं है। कुछ नहीं हुआ है तुझे, पता है? बिल्कुल ठीक है तू, दिमाग उलट गया है बस। किस्मत से लड़ती है। किस्मत से भला कोई लड़ सकता है? किस्मत बाजी सवेरा, जो लव्स है ना, तेरे मेरे जैसियों को उल्लू बनाने के लिए बना है। लोग तो अपनी किस्मतें खुद लिखते हैं। कैसी बातें करने लगी हूं मैं, बिल्कुल जुल्फी जैसी। जी सवेरा, एक बात तो बता सच से, जो जुल्फी है ये। सवेरा बाजी, सवेरा बाजी, आपको बड़ी बाजी बुला रही है जी। आती हूँ। नहीं जी, उन्होंने कहा था साथ ही लेकर आऊं, आप साथ चले। तो क्या गोद में उठा के लेके जाएगी मुझे? ये ले कपड़े, जा आ रही हूं मैं। बताती हूँ तुझे आके। फिर मैंने इतने जोर से बैट घुमाया, बैट नहीं वो जो कुर्सी का बाजू था, कि गेंद सीधा अब्बा के मोटरसाइकिल के सामने। अल्लाह, तुम ना एक दिन अपने अब्बू से मार पिटवाओगी मुझे। और तुम्हें क्या मुसीबत पड़ी थी जाके गली में खेलने की? तुम्हारी टीचर ने मना नहीं किया तुम्हें? वो क्यों मना करेंगे? लड़कियों को बाहर नहीं खेलना चाहिए, इसलिए। स्कूल के अंदर ग्राउंड नहीं तो बाहर ही खेलेंगे ना। अच्छा, अब ये बातें अपने अब्बू के सामने मत करना। मैंने तो कर दी, और पूछा भी कि आपको मेरा खेलना बुरा लगता है, तो उन्होंने कहा कि लड़कियां सवाल नहीं करती। अम्मी बताए ना, लड़कियां सवाल क्यों नहीं करती? ठीक तो तुम बोलती बहुत ज्यादा हो, मुझे नहीं पता क्यों नहीं सवाल करती, लेकिन मैंने तो कभी नहीं किया। सवाल ना करने से आपको क्या मिला? सवाल कर लेने से क्या मिल जाएगा? लेकिन अम्मी। अच्छा बस, बहुत बहस कर रही हो, जाओ जाके देखो रुबाब के लिए जूते बन के आए हैं, अब्बू अभी नए लेके आए हैं, देखो उसको फिट भी आते हैं कि नहीं। और हाँ, अब्बू की अलमारी खबरदार है, जो खोली तो मार डालेंगे। अलमारी तो लॉक है और कभी खुली नहीं, फिर आज क्यों कह रही है अम्मी? पता नहीं, वही मुंह से निकल गया, पर कभी खोलना मत। एक दफा मैंने उनसे वैसे ही पूछ लिया था कि अलमारी में क्या है, तो दो दिन तक बात नहीं की थी उन्होंने मुझसे। नजर उतारा करें अपनी, इतनी अच्छी सेहत है आपकी इस उम्र में ना। हाय हाय, मेरी उम्र को क्या हुआ? अच्छा चले बुझे, आपको देख के 35 से तो कम नहीं लगती। डॉक्टर साहब बड़े शरारती हैं। मुझे भुला ही दिया मैंने किस चीज के लिए। हाँ मुझे याद आया, सवेरा। हाँ मैंने सवेरा को बुलाया है, आप जरा उसके साथ जाकर ना सुंबल को जरा देख लें। उसे क्या हुआ, फिर से बोल? नहीं नहीं, वो वाली बात नहीं है, बस कुछ अजीब सी बातें कर रही है। कैसी बातें? देखे ना, उस दिन पार्टी के बाद रात को कब्रिस्तान के पास गाड़ी रोक दी, और कह रही थी कि मैंने जाकर गधे को दवाई लगाई है। हाँ तो फिर मैं परेशान ना हूँ, उसके ऊपर से निजामी साहब के फोन पे फोन पे फोन, तो मुसीबत एक मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बुलाया आपने? हाँ हाँ, ये जरा डॉक्टर साहब को संभल के पास ले जाओ, वो जरा देख लेते हैं उसे क्या हुआ है। देख लेते हैं। वैसे खून की कमी तो आप में भी नजर आ रही है, सिरप पिलाया करें इसे। पी लूंगे, पहले अपना मरीज देख लें। हाय हाय, मरीज तो वो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बस मेरा सर शक दूर हो जाए। अभी देख लेते हैं। जो ये नसीम ज़ाहरा की उस्तानी कैसी औरत है? अच्छी है, इसीलिए तो स्कूल चला रही है, पढ़ी लिखी है, समझदार है। और स्कूल में लड़के भी पढ़ते हैं? हाँ ज़ाहिर है, पढ़ते ही हैं। तो उनको खिलाती भी होगी लड़कों के साथ? इतने छोटे बच्चों में क्या लड़के क्या लड़कियाँ, साथ ही खेलते होंगे। छोटी नहीं है वो। और कैसी माँ हो, कुछ खबर नहीं है तुम्हें? खैर
तुम क्या, सारा मोहल्ला ही आंखें बंद किए बैठा। किसी ने उस उस्तानी से ये नहीं कहा कि लड़कों को अलग से पढ़ाया जाए, और खेल तो बिल्कुल ही नहीं, लड़कियों का क्या काम खेल खेलने से। मैं करूंगी उससे बात। और सुनो, अकेली मत जाना, दो चार औरतों को साथ लेकर जाना, और सख्ती से पूछना उस उस्तानी से कि किससे पूछकर हमारी लड़कियों को खेल पे लगा दिया उसने। जी जी, करूंगी मैं उससे बात। लेकिन बात यह है कि स्कूल का मेयार बहुत अच्छा है और फीस बहुत कम है। इतनी कम फीस में इतनी अच्छी तरबियत बच्चों की। कैसी तरबियत? ये लौंडे आदमन की तरबियत, ये तरबियत है? तो आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? ये तो एक बात है ना, तरबियत में तो और भी बहुत सी चीजें आ जाती हैं। अरे वही कहने की कोशिश कर रहा हूँ नजमा बेगम, कि शर्मो हया लड़कियों के लिए पहली तरबियत है जो उस्तानी उनको नहीं दे रही। लड़कियां लड़कियां नहीं लगती, लौंडे लगने लगती। मैं करूंगी उनसे बात, कल ही करती हूँ। नहीं, मैंने सोच लिया, मैं और नईम शेरवानी साहब जाकर बात करेंगे उससे। नहीं नहीं, आप उनको क्यों सहमत देते हैं? मैं कह रही हूँ ना, मैं जाती हूँ, कल ही चली जाती हूँ सुबह। कर चुकी भाई तुम बात, वक्त से दी जाती हूँ। हुआ कुछ नहीं उसे। तुझे कैसे पता? मक्कर कर रही है। मक्कर किस लिए करेगी? पता है ना किस बात के लिए मक्कर करती है। देख, आंटी ने मुझे बुलाया उसे देखने के लिए, देख के तो मैं जाऊंगा। अच्छा ठीक है, देख ले, लेकिन दवाई नहीं देनी है कोई। तू है तो नहीं लूंगा दवाई। ठीक, दवाई नहीं देनी है। दे दिए ना? नहीं देता। किधर? एम्बेसी। तुम्हें साथ बिठा दिया और ना तुम्हें अम्मी को ले जाने लगा। शर्म नहीं आती अम्मी को साथ ले जाते हो? कौन सा अपने काम से जा रहा हूं, आंटी का हुक्म बजा ला रहा हूं मैं। आंटी, समझ नहीं आया आज तक मुझे तुम्हारा और उनका ताल्लुक। मुझे भी नहीं। बाहर वाले किसी आदमी के साथ अपनी लड़कियों को जाने थोड़ी देती हैं, वो तुम पे बहुत भरोसा है। लेकिन आंटी की आंखों में एक मशीन फिट है, चपक के इंसान को पहचान लेती। अच्छा, मैं भी तुम पे इतना ही भरोसा कर सकती हूँ? डिपेंड करता है मामला क्या है। सुंबल, फिक्र हो रही है मुझे उसकी बड़ी। क्या हो गया सुमन को? मैं 5-6 साल की थी जब आंटी के पास आई, बर्तन धोए, झाड़ू पोछा किया, बड़ी खिदमत की मैंने। मेरे सामने आई है सारी, रमला, रमशा, सुमेरा, मारिया, सुंबल, सबका अंजाम देखा है मैंने। सुंबल के लिए डर लगता। मगर सुंबल तो आंटी की आंखों का तारा है। हाँ, लेकिन आंटी की आंख का तारा जब टूटता है तो बड़ी बुरी जगह जाकर गिरता है। मैं समझा, शायद अपने लिए कुछ मांगो। अपने लिए मांग रही हूँ, सुंबल ही तो है मेरी एक अपनी। घर बार देखा नहीं, आगे कुछ होगा कि नहीं पता नहीं, वही सब है। कुछ नहीं होगा सुंबल,
जिसके पास दुआ हो और पुरखलूस मोहब्बत, उसे रबड़ की गुड्डी की जरूरत नहीं। जो मोमेंट है तू इस वक्त यहाँ क्या कर रहा है? बैठा हूँ। बैठा तो नहीं, इस वक्त तो सारे अच्छे बच्चे अपने घरों में सो रहे होते हैं, तू किसी वजह से बैठा है। नहीं तो चलना, अब बता। हम बता देते हैं, तू शहर जा रहे हैं, तू चलेगा? मैं? हाँ तू, स्कूल तो अब तू जा नहीं सकता, मास्टर शिकारी कुत्तों की तरह तेरी बू लेता फिर रहा है, मिल गया ना तो कोट के खा जाएगा। शहर में क्या होता है? शहर में बहुत कुछ होता है। इतना कुछ तू सोच भी नहीं सकता। कम से कम वहां पे मास्टर तो नहीं होगा। ये देख, शहर में परियां रहती हैं। ये देख, ये बेशर्म, इतनी गंदी तस्वीरें, मास्टर ने देख ली ना तो तुम दोनों को बहुत मारेगा। ये मास्टर को थोड़ी दिखाते हैं, तो ये आ रहा है अपना दोस्त है। हाँ दोस्त हूँ मैं, लेकिन ये बुरी बात है। और वो जो तेरे साथ होता है वो क्या अच्छी बात है? जो मास्टर करता है तेरे साथ, बिलावा जहाँ मारता है? कुछ नहीं होता। ओ होता है, बहुत कुछ होता है। तेरा बाप नहीं ना, इसी वजह से तुझे मारता है, बाकी किसी को तो हाथ भी नहीं लगाता। नहीं, कभी कभी बाकियों को भी पड़ती है मार। ओ बाकियों को तो कभी कभी पड़ती है, लेकिन तुझे तो हमेशा ही पड़ती है। फिर क्या करूं? हमारे साथ शहर चल, काम भी मिल जाएगा। काम मिल जाए माँ को भी ले जाना। काम? और तू काम छोड़, एक दफा हमारे साथ चल, अगर ज्यादा अच्छा लगा तो वहीं पे रह जाएंगे। देख लेना आएगा ना। अभी आए, खैर है, हम तो जाएंगे, जरूर जाएंगे। आ गया तो मजे करेगा, ना खाता रहेगा मार। मिली उनसे अम्मा? हाँ कर आई हूँ सारी बात। सारी बात? आई थी मेरे पास दुकान पे, कर गई है बात। क्या जवाब दिया तूने? उनको रोटी चाहिए, देसी मुर्गी का सालन, आधा किलो जलेब हर बराती के लिए, और मोटरसाइकिल, सासी के लिए जापानी सूट, और सोरे के लिए 2 कोड़ा बोस्की की कमीज, और चेयरमैन लट्ठे की शलवार। कख नरे शरीकों का, ये सब कुछ हम कहां से देंगे? नहीं देंगे तो कहीं और कर देंगे रिश्ता, नदीम की शादी कहीं और हो जाएगी, कल शाम तक जवाब चाहिए उन्हें। आईनी सादगी, अब तेरा क्या बनेगा? पहले नोखों में रिश्ता हुआ था तेरा, अब तो वो भी नहीं रहा। मेरी धी तो कुआरी मर जाएगी। मुझे पता है तुझे कुछ नहीं हुआ। तो आए क्यों? आंटी की परेशानी दूर करना। करो। वो तो हो ही जाएगी, लेकिन मुझे ये बता कि आजकल मसला क्या है? हुँ? क्या कहानी चल रही है? कहानी है डॉक्टर साहब, और सुना रही हूँ। लोगों की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर रही ना। लगता है आजकल जुल्फी साहब के साथ बड़ा उठना बैठना है। क्यों, जुल्फी की तरह सयानी हो गई हूं? नॉर्मल है,
डॉक्टर, मेरा रोग पता लगा सकते हो? कल कहाँ गई थी? कब्रिस्तान। क्यों? ऐसे? क्या पता? कहा ना, ऐसे। आंटी को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है। कौन है वो? चुप कर जा मेरी दीप, तू जैसी अच्छी लड़की उनके नसीब में नहीं थी। ना रो मेरी दीप। झूठ ना बोल अम्मा, मेरे नसीब में नहीं थे वो लोग। इतना बड़ा घर, पक्का मकान। अम्मा, मेरे दीप। है ऐसा मकान और नौकरी पला किस काम की है? नजर तो उनकी हमारे घर पे है। तो अम्मा कौन नहीं मांगता सलामी? ये लोग नहीं होंगे तो कोई और होगा। तूने कहीं मेरी शादी करनी कि नहीं करनी? हाँ तो मैं कौन से मुरब्बों की मलकानी हूँ है जो मुझे मैंने मार रही है और मेरे पास तरह क्या है जो मैं उठा के उन्हें दे दूं? अब्बा के पास होगा ना, वो तो किसी उधार भी पकड़ सकता है, कुछ भी कर सकता है। पूरी दुनिया देती है अपनी बेटियों को, कुछ नौका नहीं करने लगा वो। अच्छा बहुत ही बक बक न कर, इतनी बातें नहीं करती हैं, चुप रहती हैं, माँ बाप के सिर का बोझ नहीं बढ़ाती हैं। मैं बता रही हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। तू बस कह दे अब्बा से, अगर उसने उन लोगों की शर्तें ना मानी और ये रिश्ता टूट गया, मैं बता रही हूँ मैंने दरिया में छलांग लगा देनी है। अच्छा अच्छा, करती हूँ तेरे प्यो से बात। कल से तेरी दादी और प्यो ना कोई कहानी डाल देते हैं, कभी कोई और कभी कोई। तू मेरी ती, चुप कर जा, हिम्मत कर मेरी ती, हौसला कर, चुप कर जा मेरी जान, चुप। उठो उठो क्लियोपेट्रा, क्या किया तुमने? सारे घर को परेशान किया रखा है। तुम तो ठीक ठाक लग रही हो। मुझे तो बताया गया था तुम्हारे सर पे कोई कब्रिस्तान का साया सवार है। मुझे कब्रिस्तान ले चलोगे? क्यों जाना चाहती हो कब्रिस्तान? वो ना, मुझे वहां एक गधा मिला था, उसे दवा लगानी जरूरी है। आंटी कहां जाने देगी? ये खादिम किस मर्ज की दवा है? पक्का? पक्का। तैयार होकर आती हूं। मेरा इत्माद करें, मैं उसको ले जाऊंगा और लेकर वापस भी आऊंगा। इस तरह उसके जहन में कुछ है पता चल जाएगा, और अगर वो झूठ बोल रही है तो भी पता चल। देखें जुल्फी साहब, ये काम इतना आसान नहीं है जितना आप बना रहे हैं, समझे ना? क्या पता वो वहाँ कब्रिस्तान किसी को बुला ले, या फिर आपके सर में डंडा मार दे। तो भागना इतना आसान नहीं। ना भाई, मैं तो नहीं भेज रही उसे, मेरे पास और भी हल हैं।
ठीक हो गई तो ठीक है, वरना मैं तो फालतू पैसे लगाने वाली नहीं। दूसरा रास्ता तो हमेशा है आपके पास। अगर वो कब्रिस्तान से जाके निजामी की पार्टी ज्वाइन कर ली तो फिर ठीक है, लेकिन आपकी जिम्मेदारी। हाय, देखिए ना जुल्फी साहब, मैंने इन लड़कियों पर इतनी मेहनत की है कि जिसकी कुछ उठना बैठना बोलना चालना हर चीज तो सिखाई है मैंने। हाय, मेरा ख्याल था बड़ी हो के अक्ल आ जाएगी, तो वो तो उसी तरह की रही, पागल की पागल। मैं गारंटी देता हूँ। तो फिर ठीक है, वो दूसरी पार्टी का क्या इंतजाम हुआ? आपके खादिम ने सब कुछ कर दिया। हाय जुल्फी साहब, अगर सारी दुनिया के लोग आपकी तरह बोले तो फिर क्या ही मजा है। चीनी और ले। बिस्किट लीजिए ना, लीजिए लीजिए। बस इतनी सी बात। इस तरह है कि रोज तो कब्रिस्तान आने की इजाजत नहीं मिलेगी, तो गधे का ख्याल रखने के लिए इसको एक एनिमल शेल्टर में रख लें। शेल्टर? वहां इसका ख्याल रखा जाएगा, ध्यान किया जाएगा इसका। यहां से तो बेहतर ही ख्याल रखा जाएगा। बिग ब्रदर एनिमल शेल्टर ले चले। हाँ। तुम्हारा शुक्रिया। गंदा है नदीम भाई, बहुत गंदे है नदीम भाई। वो क्यों गंदा होने लगा? तो खुद होगी गंदी, चाम चिट्ठी चुई बुथी। उसे शर्म नहीं आती? उसे क्यों शर्म आएगी? चीजें मांग रहे, भला मोटरसाइकिल जाके खुद ले ले, कमीना। शर्म नहीं आती तुझे? चल दफा यहां से, डायन पिछल पैरी।
निकल यहां से। उम्र में अगर कोई लड़की राह चलते हुए जानवरों को गोद लेना शुरू कर दे और कब्रिस्तान में मतरूका गधों को ढूंढकर उनकी मसीहाई करना शुरू कर दे तो इसका तो एक ही मतलब होता है, इश्क। जगह नहीं उनके पास, स्टाफ नहीं रख सकते अभी। आपको बुलाया, अगर आप जाके बात कर लेते तो। मुझे तदफीन जल्दी करते हैं, 18 से 20 घंटे हो गए हैं। ठीक है, मैं शहर जाऊंगा, तुम लोग घर से हो, मैं तुम लोग को बस स्टॉप पे मिलूंगा।